तो दोस्तों टंकी में अपने पानी हो गया था खत्म, तो यहाँ पे है थोड़ा प्रोविजन, तो भर लेते हैं। और आज कड़प्पा में हम आपको ले जाने वाले हैं चिन्मया मिशन टेंपल। तो ये खुल गया है अपना किचन और रेडी हो रही है अपनी भिंडी की सब्जी। और दोस्तों आज पूर्वी सिखाने वाली है हमको कैसे बनेगी ज्वार की रोटी। वो पूर्वी का स्पेशल गरम मसाला है, इसकी रेसिपी वो किसी को बताती नहीं। अरे वाह, ये देखो बलून बनाया ना। डलेगा इस रोटी पर घी, घर से लाए हुए शुद्ध घी। तो लगेज अपना सारा हो गया है पैक, पाउचेज अपने सब रेडी है, वाइंड ऑफ हो चुका है। तो भैया को बोलते हैं नीचे ले आने लगेज। तो अपनी टैंक में पानी खत्म हो गया है, ऊपर भैया को बोला है थोड़ा पानी भरने के लिए। तो दोस्तों टंकी में अपने पानी हो गया था खत्म, तो यहाँ पे है थोड़ा प्रोविजन, तो भर लेते हैं, आगे अपने को काम आएगा। और यहाँ पे क्या आसानी से थोड़ा पाइप से भरने की फैसिलिटी थी तो वो यूज़ कर ली, नहीं तो मुझे डब्बे से भरना पड़ता है। ओके ना, बस तो ये अपनी टैंक हो गई फुल, और इसको कर देते हैं बंद एकदम टाइट ताकि लीक ना हो पानी। तो गाड़ी हो गई अपनी सेट और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा फ्रूट्स ले लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ नहीं मिला तो फ्रूट्स खा लेंगे। तो जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए इसलिए पूर्वी ले आई यहाँ से आइसक्रीम। कैसा लगा ये बटरस्कॉच क्रंच? मस्त है। धूप नहीं है, बारिश नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ही खाया जाए। मन नहीं कर रहा और कुछ खाने का भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके प्रभु का नाम, बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों ये निकल गए हम बाहर कानीपक्कम विलेज से, और ये लेफ्ट में दिख रहा है अपने को NH-40। बस यहाँ से लेफ्ट यानी यू टर्न ही समझ लो लेंगे और निकल लेंगे फिर से टूवर्ड्स कड़प्पा। और आज कड़प्पा में हम आपको ले जाने वाले हैं चिन्मया मिशन टेंपल में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, शायद वहाँ पे तो हमें अंदर शूट करने मिलेगा, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। यहाँ से कड़प्पा का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, तो कम से कम अपने को 3 घंटे तो लगने हैं, 3 से 3.5 घंटे। ड्राइव एकदम स्मूथ रहने वाला है क्योंकि रास्ते एकदम ज़बरदस्त। और ये सामने पहाड़ देख के तो मुझे सह्याद्री की याद आ रही है। और वो सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो वो पूरा पत्थर है, एक चट्टान है पूरा पत्थर की, ऐसे मिट्टी और पेड़ों वाले पहाड़ नहीं होते यहाँ पर, सिर्फ चट्टान ही होती है। वो देखो, और अकेले अकेले पूर्वी खा रही है एप्पल, मुझे नहीं देगी। और ये छोटा सा एक घाट सेक्शन था, बस ये घाट सेक्शन उतरते ही हम पहुंच जाएंगे कड़प्पा। और कितना सुंदर ड्राइव रहा है अभी तक का, ये कानीपक्कम से कड़प्पा तक का बहुत ही स्मूथ, रास्ते एकदम मस्त है। और वो सामने दिख रहा है अपना आज का दूसरा टेंपल चिन्मया मिशन का, ललिता टेंपल। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है ये टेंपल, श्री ललिता पंचयत्न टेम्पल। 5 बजे खुलेगा। 5 बजे
हाँ तो चलो फिर यहाँ पार्क कर देता हूँ मैं। और ये यहाँ पे खड़ी है अपनी मस्त द स्कॉर्पियन किंग। फाइनली अपनी द स्कॉर्पियन किंग पहुँच गई है चिन्मया मिशन टेम्पल कड़प्पा के। ये इस बाजू यहाँ पर है टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, ज़रूर आपको ले जाएंगे अंदर और इसके दर्शन हम पक्का कराएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए यहाँ पर करते हैं कुछ कुकिंग, सेट करते हैं अपना किचन, पूर्वी क्या बनाती है देखते हैं, भूख तो बड़ी ज़ोरों की लगी है। पूर्वी किचन खोले, कुछ सोचा है क्या करना है? या बनाते कुछ तो ठीक है। तो ये खुल गया है अपना किचन और रेडी हो रही है अपनी भिंडी की सब्जी। पूर्वी यहाँ पर बनाने वाली है भिंडी की सब्जी, और क्या बनेगा पूर्वी इसके साथ? बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी यानी वो बड़े बड़े जाड़े जाड़े रोटले, बाजरा के रोटले। यस, रोटला एंड भिंडी सब्जी। यस, तो मजा आने वाली है दोस्तों। आज तो इधर अच्छा कुकिंग होने वाला है, तवा वगैरह सब निकाल के रख दिया है पूर्वी ने। तो दोस्तों मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ पूर्वी की कुकिंग करने में, क्योंकि अभी बजे है 4 और टेम्पल खुलने वाला है 5 बजे। तो 5 बजे तक अपना कुकिंग और खाने का प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म और फिर हम जाएंगे अंदर टेम्पल विजिट करेंगे। लेकिन फिलहाल जल्दी जल्दी कुक करते हैं अपना लंच। तो ये अपनी भिंडी यहाँ पर चॉप होके हो गई है रेडी, अब इसकी बनेगी सब्जी भिंडी फ्राई। और यहाँ पे चल रही है तैयारी अपने रोटी की। पूर्वी कौन सी रोटी बनाने वाली हो? ज्वार की रोटी है ये। ज्वार की रोटी बनने वाली है क्योंकि पूर्वी भूल गई है बाजरा, बाजरे का आटा भूल गई पूर्वी, तो अब ज्वार की रोटी बनेगी। लेकिन जो भी बनेगा हेल्दी बनेगा। और दोस्तों आज पूर्वी सिखाने वाली है हमको कैसे बनेगी ज्वार की रोटी। तो पूर्वी इसमें तुमने और क्या क्या डाला? इसमें कुछ नहीं डाला है, नमक और पानी है और थोड़ा सा लूज आटा है ये। गैस ऑन कर देता हूँ पूर्वी के लिए। और आज पूर्वी बनाने वाली है कुछ अपने लिए एक स्पेशल भिंडी फ्राई, और जाने वाले हैं इसमें सब पूर्वी के स्पेशल मसाले। देखो कितने लेके घूमती है वो। घूमना पड़ता है, बिना स्वाद के फिर कैसे आपको मजा आएगी। ये आ गया धनिया पाउडर, ये मिर्ची, ये नमक, ये हल्दी और ये तेल। हम उसे गरम होने देते, बाद में ही डालते हैं तड़के के लिए राई। तब तक नमक डाल देती हूँ। थोड़ी हवा चल रही थी तो शील्ड लगा दिया फ्लेम के लिए, तो अब जल्दी से हो जाएगा। ओहो, मस्त बनने वाली है। इसमें मिर्ची बाद में डालेंगे? बाद में डालेंगे, थोड़ा पकने देंगे इसे, 2-5 मिनट पक जाएंगे फिर हम दूसरे मसाले डालेंगे। और ये हो गए अपने सारे मसाले। वो क्या है पूर्वी? गरम मसाला है, हल्का सा वो डाल दिया है। वो पूर्वी का स्पेशल गरम मसाला है, इसकी रेसिपी वो किसी को बताती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या खुशबू आ रही है। हो गई तैयार पूरी सब्जी? यस, देखो लगता है हो गया। मैं वहीं पे कढ़ाई रखती हूँ, आप ले लो गरम, मैं तब तक रोटी उतारती हूँ। और ये रेडी हो गया मेरा सलाद। ये तैयारी हो रही है अपने रोटी की। पूर्वी इस पे बेलने वाली है रोटी अपने फोल्डिंग स्टैंड पे। क्या मस्त वीडियो आ रहा है तुम्हारा काम करते हुए, रोटी बनाते हुए। वो तो मस्ती आएगा। ऐसे यहाँ बीच में, रास्ते के बीच में पूर्वी बना रही है रोटी।
और ये अपनी पहली रोटी जा रही है तवे पर। पूर्वी फुलनी चाहिए रोटी? अरे बाबा फुलेगी नहीं, आज तो लंच में एकदम मजा ही आने वाला है। मैं करूँ कुछ पूर्वी? नहीं, उसको उल्टा सीधा करने का है। नहीं नहीं, उसे होने दो एक तरफ से। अच्छा फिर। तो दोस्तों ये है अपना किचन सेटअप जो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। अभी ये पूरा ओपन है कुकिंग के लिए। ये देखो, ये तो तवे पे ही फूलना शुरू हो गई है। अरे सही सही, ये देखो फूल गई पूरी रोटी तुम्हारी। अरे वाह, मजा। ये देखो बलून बनाया ना। अरे जबरदस्त पूर्वी, अभी फुल मार्क्स आज के लिए, फुल मार्क्स पूर्वी को। मार्क्स नहीं चाहिए, बना वही बड़ी बात है, खाने में मजा आनी चाहिए। अरे खाने में तो आने ही वाली है, क्योंकि जो तुम बना रही हो पर घर का हेल्दी खा रहे है तो मजा तो आने ही वाली है। खोल के दे दो पूर्वी, मैं उसमें घी लगा देता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। बस बस, बस लगा दो आप घी। डलेगा इस रोटी पर घी, घर से लाए हुए शुद्ध घी। ज्यादा हो गया पूर्वी, बहुत ज्यादा घी डाल दिया मैंने। खाओ अभी, आपको जरूरत है। ओहो क्या मजा दिख रहा है, क्या ही लग रहा है। और दोस्तों ये रेडी है अपना आज का लंच, ज्वार की रोटी, भिंडी की सब्जी, सैलड और कुछ मिठाई, मोहन थाल और ये घर का देसी घी जो डाला है इस रोटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी तुम आ रही हो? हाँ, एक 5 मिनट लगेगा, रोटी उतर रही है मेरी। पूरी मस्त है, मजा आ रही है। सब्जी भी एकदम मस्त है, भिंडी फ्राई। और दोस्तों सुबह भी हमने जो इडली चटनी खाई थी उसमें भी कुछ ज्यादा मजा तो था नहीं। इडली अच्छी थी लेकिन चटनी भी कुछ दम नहीं था, और सांभर भी था नहीं, तो कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं है। और ये ऐसा घर का खाना अभी यहाँ पर मिल गया तो बॉस मज़ा आ गया है, मज़ा। पूर्वी ऑल थैंक्स टू पूर्वी। थैंक यू, थैंक यू। और अभी बज रहे हैं 5 और हो रहा है हमारा लंच, यानी ये हमारा तो आज का है। आज भी पूर्वी हमारा लंच डिनर मिक्स ही है ना? यस, करे क्या, ट्रैवलिंग बहुत है हमें आगे और जाना है, और यहाँ से अपनी जर्नी फूड मॉल तक कम से कम 4 से 5 घंटे की है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद जाएंगे, 10-11 तो बज ही जाने वाले हैं। तो कुछ वहाँ पे कुछ रेडी टू ईट या कुछ फास्ट टू कुक तो नहीं करेंगे, कुछ फटाफट वाला ही आइटम बनाएंगे। चाट वगैरह कुछ बना लेते हैं पूर्वी, चलेगा? सेव पूरी है, सेव पूरी है, कचौरी चाट है, आपको जो खाना है बन जाएगा। तो पूर्वी सेव पूरी और चाट बना देते, फिक्स रखते हैं, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ पूर्वी? यस, फिक्स कर देते हैं वो, देखते हैं। और फिर और कुछ रहेगा अगर रास्ते में कुछ चाहिए तो रास्ते में खा लेंगे, ठीक है। तो पूर्वी ने फटाफट अपने लिए बना लिया बेसन, क्योंकि उसे नहीं खाना था भिंडी, क्योंकि 2 दिन पहले ही खाई थी। क्या बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में? पिटला भाकरी। पिटला भाकरी, मैं वो खा रही हूँ, पिटला भाकरी। भाकरी की जगह पे रोटी, और इसको इसे भाकरी बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसे भाकरी बोलते हैं। ओके। वो लोग खाली वो राइस की बनाते हैं सुबह, और इसमें कांदा डालते हैं ये लोग, मैंने कांदा नहीं डाला है। और अभी आ गई कड़क धूप, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जब तक हम लंच करते हैं और वाइंड ऑफ करते हैं, क्योंकि फिर हम जाएंगे आपको लेकर चिन्मया टेम्पल। रुपेश तुम मुझे मदद कर रहे हो बर्तन धुलाने। दोस्तों मिलजुल के खाना बनाने और खाने के बाद ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है मिलजुल के बर्तन धोने का। तो ये देखो कुछ इस तरह बर्तन धोते हैं हम। और आज परफेक्ट यूज़ हो रहा है अपनी शावर टैंक का,